हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर मोटिवेशनल थॉट शायरी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपको इस तरह की मोटिवेशनल थॉट शायरी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना है। ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको बीच में एक टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। अब आपको गाइस ऊपर राइट साइड में थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर गाइस हम इस समय एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है NRS 60 वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से वॉलपेपर आ जाएगा। अब दोस्तों, आपको इसमें एक ब्लैक स्क्रीन शैडो PNG इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको ऊपर प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको ब्लैक स्क्रीन शैडो PNG इमेज को सिलेक्ट करना है। आपको इस इमेज की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो आपको इस तरह से PNG इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको PNG इमेज को कुछ इस तरह से बड़ा करके फुल स्क्रीन में लगा देना है। आप अपने हिसाब से वॉलपेपर में लगा सकते हैं। इस तरह से हम PNG इमेज को लगा देंगे। अब आपको इसमें शायरी लिखनी है। शायरी लिखने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है टेस्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको शायरी को लिख देना है। तो दोस्तों, मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने शायरी को पेस्ट कर दिया है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी शायरी कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम शायरी को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आपको नीचे साइड से राइट साइड में स्क्रॉल करना है। इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको शायरी में कलर को लगा देना है। तो दोस्तों, हम शायरी में कुछ इस तरह से कलर को लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप सिलेक्ट करके अलग अलग कलर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी में अलग अलग कलर को लगा लेते हैं। आपको भी इसी तरह से अलग अलग कलर को लगा लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने शायरी में अलग अलग कलर को लगा लिया है। आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करते जाना है और जो भी कलर इसमें लगाना चाहते हो आपको इसको लगा लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी शायरी कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फिर से राइट साइड में स्क्रॉल करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको एक फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी फॉन्ट इस शायरी में लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो हम इस वाले फॉन्टों को लगा लेंगे। अब ओके पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद बीच वाले ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है। इस तरह से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है स्टोक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन होने के बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से शायरी को एडिट कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप एडिट करना चाहते हैं। इस तरह से हम शायरी को एडिट कर लेंगे और नीचे साइड में अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से अब आप देख सकते हैं हमारी शायरी है जो वॉलपेपर में एडिट हो चुकी है।
अब गाइस आपको इसमें फिर से टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप यहां से इंस्टाग्राम आईडी को इसमें लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम इंस्टाग्राम आईडी को लिख देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी को यहां पर लिख दिया है। लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे साइड में इसको अच्छे से सेट करके लगा लेना है। इस तरह से हम इसको सेट करके लगा लेंगे। यहां से गाइस आपको फॉन्ट में जाकर इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले फॉन्ट को हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर कुछ इस तरह से एडिट हो चुका है। अब आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्वालिटी को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये इमेज डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो वॉलपेपर है गैलरी में सेव हो चुका है। अब दोस्तों आपको इंसॉर्ट ऐप को डाउनलोड करना है। इंसॉर्ट ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इंसॉर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना है। इंसॉर्ट ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से गाइस आपको उस वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिसको आपने अभी पिक्सल लैब ऐप से एडिट किया था। तो यहाँ पर हम उस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वॉलपेपर आ चुका है। अब गाइस आपको कैनवास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको NR 260 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप अच्छे से वॉलपेपर को सेट करके लगा सकते हैं। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है म्यूजिक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एस्ट्रिक आइडियो फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के साउंड को लगाएंगे। तो आपको इस वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के साउंड को अपनी वीडियो में लगाएंगे। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फर्स्ट में मिल रहा है ग्लिच, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लास्ट में जाना है। JPEG वाले इफेक्ट को आपको लगा देना है। इस तरह से आपको इसको लगा देना है। आप इसको अच्छे से एडजस्ट करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एडजस्ट करके इसको लगा देंगे। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इफेक्ट लेयर को खींचकर वॉलपेपर की लेयर के बराबर कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिला है सेव वाला, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप यहां से क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम इसको 1080p की क्वालिटी में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स के लिए थॉट शायरी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।